जेडीयू ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जबकि अब चौथे चरण का मतदान कल होना है। कई बातें सामने आ रही हैं कि आखिर किन वजहों से जेडीयू ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी, सर क्या लगता है कि घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी? देखिए, नीतीश कुमार जी डोल ड्रम में हैं, वो अपना घोषणा पत्र इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो बीजेपी से अपने आप को कई पॉइंट पर वो अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, सर्टेन इशू पे मेरा अलग सोच है। अगर चुनाव में उस सोच को उन्होंने घोषणा पत्र में दिया तो नरेंद्र मोदी नाराज होंगे, या फिर भविष्य की जो राजनीति इनकी होती है, जो दिमाग में है कि कल को अगर कुछ संभावना और दिखे 23 मई के बाद, तो उस परिस्थिति के लिए एक स्कोप बना के रखना चाहते हैं। इससे बड़ा राजनीतिक तौर पे अवसरवादी नेता और जितने आदतन दल बदलुओं की जमात, वो जेडीयू है। तो जेडीयू जो पार्टी है वो और जो उसके नेता हैं, उनके लिए घोषणा पत्र कोई मायने नहीं रखता ना। तो घोषणा पत्र के झमेला में क्यों पड़ेंगे, बीच का लाइन लिया है, चलो जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से अपने आप को डाल लेंगे, उसके घोषणा पत्र को ही अपना घोषणा पत्र मान लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ है, चीफ मिनिस्टर है, अगर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं दे रहा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी हम कभी भी कर सकते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र क्या है? हमारा विजन है, हम 7 निश्चय पर काम कर रहे हैं, हम 2020 की सोच रहे हैं। उनका विजन क्या है? बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये विजन है। फिर उसके साथ मिल गए, 23 मई के बाद फिर कहीं कांग्रेस की तरफ आ गए, तो क्या गारंटी है नीतीश? नहीं, ऐसा तो नहीं, जैसे कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया था उसमें था कि राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है, इनसे बचने के लिए वो ये स्टैंड ले रहे हैं। तो दोहरा मापदंड हो गया ना, तो फिर बाहर में नीतीश जी क्यों बोलते हैं कि मेरी धारा 370 पे ये राय है, राम मंदिर पे मैं ये राय रखता हूँ, क्यों बोलते हैं? तो आम जनता को मूर्ख समझना और अपने आप को सिद्धांतवादी न्यायप्रिय व्यक्ति कहलाना, दोनों कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे चालाकी है। जनता नीतीश कुमार को जान गई।